Afternoon. A very good afternoon, dear student. Very good afternoon. चलिए एक बार हम yes, once again we are going to start this numerical question का जो session था morning में हमने जो दिखाया था, अगर आप एक बार screen पर देख लीजिए जो बच्चे morning में नहीं absent रहे होंगे, तो हमने morning में यहाँ से शुरुआत किया था बेटा, एक बार देख लेंगे. और इसके आधार पर हमने सबसे पहले इन बातों की चर्चा की थी कि मेथड्स ऑफ मेजरमेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. आज के डेट में हमने सबसे पहले बताया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को जानना क्यों जरूरी है. इसके बाद टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हमने दिखा दिया था जल्दी से. एंड इसके बाद हमने, क्योंकि हमारा फोकस आवर फोकस वाज ओनली टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ ले लिया था. रिमाइंड, उसका फॉर्मूला ये देखा था, हाँ, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मैथड. ओके, परसेंटेज, ये परसेंटेज है क्योंकि आप देखो परसेंटेज है, ठीक है. फिर उसी में जब परसेंटेज हट जाता है तो वो प्रोपोर्शनेट कहलाता है. ओके, इसके पहला जो टाइप क्वेश्चन था, जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, व्हेन प्राइस एंड सप्लाई बोथ आर गिवन, ठीक है, उस पर हमने एक दो क्वेश्चन लिए थे. नो माइंड, यहाँ देख सकते हैं आप. ओके ओके, इसके बाद फिर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया था, देखो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ है आपके सामने. तो हर तरह के क्वेश्चंस को लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको किसी भी, और हर तरह के क्वेश्चंस को यू हैव टू प्रैक्टिस, एक्चुअली यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस. ओके, और ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन था, ठीक है. चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. और हमारा अगला क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग साथ में, तो आप लोग के लिए फायदेमंद होगा, साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे. तो हमारा क्वेश्चन है, इफ मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ओके, इफ मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या है, इज रुपीज फाइव, इज रुपीज फाइव पर यूनिट, अ सेलर इज विलिंग, इज विलिंग टू सेल, आपको अपना भी एफर्ट करना है, 600 यूनिट, कितना, 600 यूनिट, देखिएगा पकड़ते जाएंगे साथ साथ, ऑफ द कमोडिटी. जितना आप इन्वॉल्व होके काम करोगे ना, उतना ही अच्छा लगेगा आपको और मजा आएगा. व्हेन द प्राइस राइजेस टू, व्हेन द प्राइस राइजेस टू रुपीज सिक्स पर यूनिट, देखो रुपीज आ गया ना, आप समझ सकते हो, कुछ चीज पकड़ में आ रही है बेटा, कुछ चीज पकड़ में आ रही है. इज विलिंग, बोलो बेटा, सेल टू सेल 800 यूनिट, पकड़ते जाएंगे. देखो यहाँ यूनिट आ गया, ठीक है, आर गेट माइंड, यहाँ भी यूनिट है, ये क्या है, ये क्वांटिटी है, पकड़ते जाएंगे बस. वेरी गुड, इसी तरह पकड़ने का प्रयास करोगे, जितना ही इन्वॉल्व होगे उतना ही मजा आएगा, ये समझ लीजिए. कमेटी, आप हमसे पहले सॉल्व करें ये, जब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ना कैलकुलेट, तब तक आप इसको अपनी उंगलियों को दौड़ाते रहिए स्क्रीन पर, अपने नोटबुक पर, ठीक है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन लिखते लिखते हमने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया ना, क्वेश्चन लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसको. ओके, इसका सॉल्यूशन पार्ट हम देखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट. जल्दी बताइए क्या क्या दिया हुआ है बेटा, देख लो आपके यहाँ प्राइस दिया हुआ है पी, देखो पकड़ने का प्रयास करो, पी दिया हुआ है बेटा, कितना है, फाइव, जहां मैं गलत करूंगा बोलिएगा. पी वन कितना है, बोलो भाई, बोलिए, सिक्स है, ये फाइव है, दिखाई नहीं दे रहा है, बोलना है ना बेटा. तो डेल्टा पी कितना होगा, वन, करेक्ट ना. इसी तरह क्यू कितना है, बताओ जल्दी, सिक्स, ओके, क्यू वन कितना है, जल्दी 800. इसके बाद डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा,
वेरी गुड। जैसा कि प्राइस इलास्टिक सप्लाई, देखो डेल्टा क्यू मालूम है, डेल्टा पी मालूम है, पी मालूम है, डेल्टा क्यू, ये क्यू मालूम है, तो हमारा ये डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बैठ जाएगा इस पर प्रोपोर्शनल। हमारे प्रिय स्टूडेंट श्री वरुण शर्मा जी ने अभी आपके सामने इस बात को कहा। इसके बाद देखो सारी चीजें मालूम है, देखो कितना आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, देख रहे हो ना। तो जब एक बार करने लगोगे ना मैथ्स की, जानते हो सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, एक बार करने लगो तो बहुत मजा आता है, और जब नहीं समझ में आता है ना तो बहुत दर्द भी होता है, मीठा मीठा करेक्ट ना। हाँ, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तो जब मैथ्स बनता है तो बहुत मजा आता है। 1.67 ये आंसर हो गया ना, बोलो भाई। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप जल्दी से, 1.5 गलत है, मैं गलत हूँ। देखो ऐसे है ना बेटा, अगर ऐसे है, अगर 5 से ज्यादा आता है ना तो जो हम 2 यूनिट निकालते हैं ना, तो ये हम इसको 1 बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है, ये सिस्टम होता है, करेक्ट ना। चलिए आप इसको लिख लेंगे, लिख लिया होगा आपने, उम्मीद है लिख लिया, जो लोग नहीं लिखे हैं लिखते रहिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन में हम इस पर ज्यादा समय न लेते हुए अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड टाइप का, टाइप सेकेंड, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? व्हेन टाइप सेकेंड क्या है, व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज गिवेन। प्राइस इलास्टिक सप्लाई मतलब पी डॉट ई एस, ये प्राइस इलास्टिक सप्लाई ये दिया हुआ है, करेक्ट ना। क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड, हमारे साथ साथ लिख लो बेटा ताकि आप लोगों का, गुड राइजेस फ्रॉम रुपीज 8 पर यूनिट, ओके, टू रुपीज 10 पर यूनिट। देखो रुपीज है, ठीक है ना, दो चीज हमको ऐसे ही दिखाई दे रही है बेटा, यूनिट। प्रोड्यूसर सप्लाइज 40 यूनिट्स मोर, ध्यान देना आप शब्दों को, ध्यान दीजिएगा, मोर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2, देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये हमारा क्या था, व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज गिवेन, करेक्ट ना। व्हाट इज द क्वांटिटी सप्लाइड, ध्यान देना अब, बिफोर द प्राइस चेंज, बिफोर द प्राइस चेंज, कैलकुलेट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, बिफोर द प्राइस चेंज, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम रुपीज 8 टू, अब दो दो क्या क्या चीजें, पहले गिवेन क्या क्या है, क्वेश्चन नोट कर लिया, पी हमारा 8 होगा, हाँ या ना, यस बोलिए, पी वन 10 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बोलिए, ओके। इन दोनों के बेस पर डेल्टा पी 2 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना बोलिए, ओके। क्यू और यहाँ हमने Q1 लिखा, अब देखो क्वेश्चन में क्या, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम रुपीज 8 तो रुपीज 10 हो गया यूनिट, प्रोड्यूसर सप्लाईज 40 यूनिट्स, प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करता है, कब, जब 8 से 10 हो रहा है ना, जब यहाँ से यहाँ हो रहा है तो प्रोड्यूसर कितना सप्लाई करता है, 40 यूनिट्स,
40 यूनिट्स मोर है, ध्यान देना इस वर्ड को, ऐसा नहीं कि क्वांटिटी देखा और तुरंत आपने Q1 लगा दिया, मोर है ये। मोर का मतलब क्या हुआ, पहले कुछ था या क्यू है, और क्यू मोर का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये 5 है मान लो या 8 है, तो मोर का मतलब 3 हुआ। गेटिंग पॉइंट, आर गेटिंग पॉइंट? हाँ, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, शब्दों को समझने का प्रयास कीजिएगा, और शब्दों को समझते नहीं है ना तो वहीं पर गड़बड़ हो जाता है, लैंग्वेज को पकड़ना होता है, ठीक है। तो मोर प्राइस रेलेटिव सप्लाई इज गिवन टू, ठीक है। तो अब इसलिए हम यहाँ पर क्यू के सामने क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, पहले का मालूम नहीं है, Q1 भी हमको नहीं कुछ मालूम है, लेकिन हमको क्या मालूम है, मोर डेल्टा क्यू 40। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, करेक्ट है ना? किसी कोई डाउट, बोलो भाई। तो अब हमारा देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, हमारा पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई क्या होता है, डेल्टा पी, करेक्ट है, वेरी गुड। और देखो और क्या लिख दिया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना दिया हुआ है, 2 इज इक्वल टू 8, पी का पी है हमारा 8, ये है ना 8 डिवाइड बाई क्यू, हमको मालूम नहीं है, देखो नहीं मालूम है, क्वेश्चन मार्क लगाएं, ठीक है। 8 क्यू इंटू 40 क्या है हमारा, मोर, ये देखो ये डेल्टा पी, डेल्टा क्यू सॉरी 40 डिवाइड बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये 2 कहाँ है, ये वाला 2, ओके। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन सकता है, इसलिए मैं एक एक स्टेप लेके चल रहा हूँ। 160 बाई क्यू, ये समझ में आ गया होगा सबको, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 160, उसको किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्यू को उधर ले जाओ क्योंकि क्यू की वैल्यू निकालनी है, और 2 को नीचे लेकर आओ, तो क्या हो गया, तो आंसर क्या हो गया, 80। समझ में आया सब, बोलो बोलो डन 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 डन। अच्छा, जिनका छूट गया हो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जिनका छूट गया वो स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया, क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को आनंद की अनुभूति हो, अभी तो सीख रहे थे ना, अब आनंद लेने चलते, ठीक है, क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन जब आपको आएगा ना, दूसरा क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे उसके बेस पर, तब आनंद आता है, पहले में स्ट्रगल होता है और दूसरे में आनंद आता है, गेट यू पॉइंट। तो अब हम लोग आनंद के क्षण में घूम रहे हैं, है ना, इंद्रासन पाने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इंद्रासन की तैयारी में हम लोग चल रहे हैं। आज जानते हो NCC कैडेट का दिल्ली कैंट में क्या हो रहा था, प्रदर्शनी थी उनकी, ठीक है, आज प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ आए होंगे, आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों में से NCC जो है ज्वाइन करने के लिए तहसीन तो दिखाया था, लेकिन टाइम निकल गया था। देखो बेटा, ओपन भी होता है तहसीन, समझ रहे हो बेटा, ओपन भी होता है, ओपन भी कर सकते हो, मेरे पॉइंट, तहसीन की मेरी बात आवाज आ रही है। देखो NCC कुछ हो ना हो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर डिसिप्लिन की भावना और राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो मजबूत होता है। देखो होता क्या है ना, जैसे संस्कारों के बीच में रहोगे ना, इसी तरह की भावना आएगी। अगर आप चले जाओगे अफ्रीका में तो अफ्रीका वाली भावना आ जाएगी, समझ रहे हो, अगर आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका वाली भावना आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी संगति जैसी होगी ना, वैसी भावना आएंगी, ये जान लेना, ठीक है। आदमी कोई बुरा नहीं होता है, वो उसके संस्कार उसकी संगति के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, बताओ सही बोल रहे हैं ना, चलो तो सही बोल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। सेल्स 80 यूनिट्स, ठीक है, व्हेन प्राइस इज
₹4 पर यूनिट, ठीक है। तो ये प्राइस है और ये हमारा क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2, यहाँ दिया हुआ है। हाउ मच क्वांटिटी विल द सेलर सप्लाई, हाउ मच मतलब बात की बात है ना बेटा, लैंग्वेज क्या बोल रहा है कि हाउ मच ही विल सेल, ठीक है, बात की बात है। व्हेन प्राइस राइजेज, जब प्राइस बढ़ेगा, मतलब प्राइस जब बढ़ेगा, मतलब पी है, P1 है, जब मतलब जब यहाँ के यहाँ पर प्राइस कुछ होगा, ठीक है, तो हाउ मच ही विल सेल, मतलब ये Q1 कितना होगा, कुछ ऐसा लग रहा है ना, बोलो भाई। When price rises to P1, 5 rupees, तो price rises to 5, हमको लगता है ये सही है ना, price rises to 5, और पहले का दिया हुआ है 4, देख लो, पकड़ो, क्वेश्चन पकड़िए, ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्यू है 80, करेक्ट ना, एक बार फिर मैं बताऊंगा, डेल्टा पी 1, डेल्टा क्यू, देखो थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ ना, उसमें डेल्टा क्यू का वैल्यू दिया हुआ था, और प्राइस लास्ट ऑफ सप्लाई दिया हुआ कितना, 2। देखो अब देखो, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए, दिया हुआ है सेलर सेल्स, यहां क्वांटिटी की बात हो रही है ना, 80 यूनिट्स, व्हेन प्राइस इज 40, ₹4 पर वो ₹80 बेचता है, तो ये ₹4 हो गया, ₹4 पर कितना बेचा, 80, करेक्ट ना, पहला पॉइंट। प्राइस लास्ट इज 2, देखो पहले गिवन को हमेशा लिखा जाता है, ये मेरा कलम तो कहाँ गया, ये लगता है नहीं चलेगा क्या, दोबारा इसको इसको बड़ा मनावन नहीं चला, चलो मैं यहाँ कर रहा हूँ, प्राइस लास्ट नहीं कर चल रहा है, आंसर आ गया, वेरी गुड। देखो यहाँ पर यह प्राइस ऑफ सप्लाई 2, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या, हाउ मच क्वांटिटी विल द सेलर सप्लाई, हाउ मच क्वांटिटी, तो क्वांटिटी पूछ रहा है ना ये, हाउ मच क्वांटिटी, व्हेन प्राइस राइजेज, प्राइस पहले 5 था, पहले 5 था, राइज हो गया तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 5 हो गया ना, देखो प्राइस, ठीक है। और हमारे पास क्या है, एक ये मालूम है, एक ये मालूम है, एक ये मालूम है, एक ये मालूम है, और टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से 4 हमको मालूम है, एक निकल ही जाएगा ना, निकल जाएगा ना, डन, शाबाश। तो डे धनादन श्रेया हो गया बेटा, और सोनी, वरुण, सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरी बात, हो गया, शाबाश। तो बोलिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, ठीक है, इसको और लिख सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू 4/80, 4 हमारा यहाँ है, 80 यहाँ है, ठीक है, 4/80 इंटू डेल्टा क्यू बाई 1, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, बोलो, इसको डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 40, ठीक है, सॉल्व क्या करना है, इसको लिख रहा हूँ मैं, दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको छोड़ दो, लिखने की क्या जरूरत है, लिख दूँ, लिख दो, और डेल्टा क्यू, देखो ये आपका जो Q1 माइनस क्यू नो पॉइंट, तो Q1 इज इक्वल टू 140, करेक्ट ना, इधर सॉल्व कर लो, 40 इज इक्वल टू Q1 माइनस 80, ठीक है, आपका समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ठीक है, बोलो, ये चीज आप लोगों ने नहीं किया होगा शायद, किया था ये वाला, किया था आपने, हाँ, तो यहाँ पे लिख, आप क्वेश्चन क्या था बेटा, देखो क्वेश्चन क्या था, ओके, हाउ मच क्वांटिटी विल द सेलर सप्लाई, ओके, ठीक है, ठीक है, चलो, तो हमको निकालना था Q1 की वैल्यू निकालनी थी ना, ठीक है, अर्गेटिव पॉइंट, तो हमारे पास ये डेल्टा क्यू आ रहा था ना अभी, तो डेल्टा क्यू क्या होता है, Q1 ये होता है ना डेल्टा क्यू, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनको मैं बोल रहा हूँ, डेल्टा क्यू क्या होता है, फार्मूले के अनुसार, हाँ फार्मूले, यहाँ तो हमने फार्मूले के अनुसार हम चले ना बेटा, देखो फार्मूला में Q1 तो कहीं था नहीं, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच क्वांटिटी विल, मतलब कितना सप्लाई करेगा,
हेलो फाइन, तो वो बाद की सप्लाई इसको पूछ रहा है ना बेटा, इसको पूछ रहा है ना, करेक्ट ना? ठीक है, किसी कोई डाउट? देखो ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर दो, ठीक है? देखो जितने लेवल के आ सकते हैं उतने तो मैं कराने का प्रयास ही कर रहा हूँ, ठीक है? एक और क्वेश्चन लेते हैं, शायद ये लास्ट पीरियड लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं? एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको। देखो हार्ड क्वेश्चन, देखो जब तक ये आपको ये नहीं आता था तब तक यही हार्ड था, ठीक है ना? यस, कभी कभी याद है तुमको जब तुम मम्मी से पूछना कि जब चलना नहीं आता था ना तो दो स्टेप चलते थे बैठ जाते थे, यू आर सर्चिंग फॉर कंफर्ट, तो क्या करती थी मम्मी जो है ऐसे खड़ा कर देती तुमको जमीन पर, तुमको सबकी बात हो ना, हम सब की बात है, हम लोग की मदर हम लोगों ने ऐसे ही पाला है, इसका थोड़ी देर कदम चलते तो फिर पकड़ लेती फिर छोड़ देती, फिर ऐसे होता था ना बच्चे को देती, तो जो चीज़ उस समय डिफिकल्ट थी बाद में आसान लगने लगी, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस की बात है। प्राइस इलास्टिसिटी, साथ साथ लिखोगे तो इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ बच्चे केवल स्क्रीनशॉट पर सोचते हैं कि आराम कर लें और स्क्रीनशॉट लेके लिखते जाएं, तो जानते हो वो कमजोरी बढ़ती जाएगी बेटा, यही आलस से होता है और यहीं पर से बच्चे पीछे हो जाते हैं। एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 5 per unit इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इज 300 units। पकड़ने का साथ साथ प्रयास कीजिए, हमसे पहले करने का प्रयास कीजिए, कैलकुलेट द कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड सप्लाइड एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 4 per unit। सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राइस लास्ट ईयर ऑफ सप्लाई 2.5, पहले लिख लिया प्राइस लास्ट ईयर ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 2.5, करेक्ट है ना? बोल, एट प्राइस ऑफ रुपीज 5 per unit इट्स अ क्वांटिटी सप्लाइड इज प्राइस, हम यहाँ लिख दिया पी पर कितना है, क्वांट पी है और ये क्यू लिख दिया, तो पी प्राइस है कितना, 5 है, तो क्वांटिटी कितना है, 300 units, करेक्ट ना? कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड एट अ प्राइस ऑफ ₹4 per unit, ठीक है? तो अगर मान लो P1 4 हो जाए, ठीक है, तो कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड एट अ प्राइस ऑफ 4 यूनिट, तो ये हमारा ये Q1 कितना होगा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बन रहा है ना? अभी तो आसान ही लग रहे हैं भाई। प्राइस लास्ट ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, ये इम्प्लाई क्या करता है, 2.5, करेक्ट है ना? जहाँ पर गलत फहमी होगी वहाँ पर 300 बताएंगे, डेल्टा क्यू बाई -1 होगा, -1 यहाँ मैंने लिखा डेल्टा पी इज इक्वल टू -1, ठीक है? ठीक है, करेक्ट ना? ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, -150, ठीक है? और डेल्टा क्यू क्या लिख सकते हैं, Q1 - Q, करेक्ट ना? ठीक है, और 1 - 50 इज इक्वल टू Q1 - 300 लिखा जा सकता है, Q1 इज इक्वल टू 150, करेक्ट है आंसर? स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लिया होगा तो वेरी गुड,
ठीक है, बोलो भाई, लिख लो भाई, जिन लोगों का छूट गया वो लिख भी लें, और जिनका हो गया हो तो बल्ले बल्ले बोलिए। डन हो गया ना? तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक और क्वेश्चन प्राइस वाला लेते हैं, इसके बाद फिर हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन, 3 मिनट हमारे पास बचा हुआ है, इसको ले। रिवेन्यू वाला बेटा, अब तो फिर बेसिक कुछ बोलना पड़ेगा ना उसके बारे में, ठीक है? ठीक है, आज लास्ट क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ, देखो 140 से पहले कोई और पीरियड हो ना तो वो उसमें एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है? मुझे बोल दो, मैं क्लास ले लूंगा, मेरा टाइम टेबल आपके पास है, क्लास का टाइम टेबल आपके पास है, ठीक है? समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नोट करते जाएंगे। राइटिंग समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा आपको वेरिएशन नजर आएगा इसमें, थोड़ा सा चलो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज रुपीज, सप्लाई मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है, 1200 यूनिट्स एट अ प्राइस रुपीज 12 पर यूनिट। तो प्राइस इतना है, क्वांटिटी 1200 यूनिट्स, करेक्ट ना? बोलो, इसमें किसी को डाउट? बोलो, इफ द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस टू, हाँ ठीक है, इंक्रीजेस टू मतलब सप्लाई क्या इंक्रीज टू होगी, कितना हो जाए, Q1 1600, करेक्ट है? व्हाट विल बी द न्यू प्राइस ऑफ द कमोडिटी इफ, न्यू प्राइस मतलब P1 कितना है, करेक्ट? बोलो भाई, समझ में आ रहा? डेल्टा पी हम नहीं निकाल पाएंगे, करेक्ट है ना? डेल्टा पी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको P1 मालूम नहीं है, ठीक है? व्हाट विल बी द न्यू प्राइस ऑफ कमोडिटी? अब देखो, यहां से इस दोनों इंफॉर्मेशन से हम डेल्टा क्यू निकाल लेंगे, करेक्ट है? करेक्ट है, करेक्ट है ना बेटा? चलो, इसके बाद हमारा क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, प्रैक्टिस करते हो बोलते जाओ, पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। एक बार इसको पी बाई क्यू याद रखा करो, और जब इधर जो हो ना उसमें रिवर्स हो जाएगा और डेल्टा आ जाएगा, बस ऐसे जल्दी याद हो जाएगा, करेक्ट ना? टू इज इक्वल टू 12 आ गया, 1200 इंटू 400 डिवाइड बाई डेल्टा पी, करेक्ट ना? अब देखो डेल्टा पी कितना इधर से निकल के आएगा, डेल्टा पी 2, और डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, उसमें डेल्टा क्यू करके निकाले थे, इसमें डेल्टा पी करके निकालना है, करेक्ट ना? तो P1 की वैल्यू कितने हो गई, 14, पहले इसको कर ले, और यहाँ पहले कर लो, 2 इज इक्वल टू P1 माइनस 12, ठीक है? तब ये, इसके बाद ये स्टेप यहाँ आएगा, ठीक है ना? इज इक्वल टू, तो P1 की वैल्यू 14, ये हमारा आ गया काम से, ठीक है ना? समझ में आया? समझ में आया बेटा? किसी को डाउट? कौन कौन है हमारे साथ अभी? अभिषेक कुमार शर्मा जी, समझ में आया? आकाश,
आकाश, अनीशा, करण, रिंकी, लोकेश, फजल, प्रतिमा, साहिल, समाइरा, शशांक, समझ में आ रहा है? शशांक जी, शिव, श्रेया, सोनी, सुरभि, वैष्णवी, वरुण। इससे पहले का क्वेश्चन क्या था बेटा, जो समझ में नहीं आया? कौन सा, ये वाला? इसमें क्या प्राइस लास्ट ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, एट ए प्राइस ऑफ रुपीज 5 पर यूनिट, इट्स अ क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस कितना है 5, देखो ये है 5, ठीक है, क्वांटिटी कितना सप्लाई किया 300, ओके, कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड एट ए प्राइस, अब प्राइस कितना हो गया 4, उस पर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी ये निकालना है, इतना समझ में आया? और प्राइस लास्ट ऑफ सप्लाई पहले दिया है 2.5 यहाँ लिख दिया मैंने, तो देखो चार, देखो अब ये हमने फार्मूला सीधा लगा दिया, प्रोपोर्शनेट मेथड का ही है, ठीक है, अब ये 2.5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, जो दिया हुआ है उसको निकाल दिया, और ये हमको निकालना था, करेक्ट ना, ये हमको समझ में ना, ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ से क्यू निकाल लिया, और हमने क्या किया, जब हमको डेल्टा क्यू यहाँ मिल गया, यहाँ से देखो डेल्टा क्यू है ना यहाँ, तो हमने डेल्टा क्यू, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, हमको निकालना क्या था, हमको तो निकालना ये है ना बेटा, क्यू1 निकालना है, ठीक है, बोलो भाई, हमको ये निकाल, ठीक है, तो हमने यहाँ डाला और हमने ये वैल्यू पुट किया, तो हमारा Q1 आ गया 150, और हमारा ये आंसर हो गया, करेक्ट ना, ठीक है, चलिए ठीक, तो हम अगले सेशन में हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ अगले क्वेश्चन के साथ हम बैठेंगे, और दूसरा टॉपिक लेंगे, कौन सा टॉपिक लेंगे आप मुझे बता दो, अब सप्लाई का न्यूमेरिकल ओवर, कौन सा, केवल न्यूमेरिकल पहले डिस्कस करते हैं, और साथ में जो थ्योरी होगी तो देख लिया जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पहले डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बता दो, शशांक तुम बताओ, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, शशांक,